पहली बात तो जिस बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान की कॉपी पे हस्ताक्षर किए वो कॉपी कोई और है, ये पॉकेट बुक टाइप कोई दूसरी पुस्तक उठा ला है। इनको ये मालूम नहीं कि असली कौन है नकली कौन है, इनको ये ध्यान ही नहीं है। और ये एक भी रोज ऐसे नए नए फिर कहते मेरे को पता नहीं क्या है, मीडिया वालों के खिलाफ बात है। मीडिया वाले केवल मोदी जी को दिखाते हैं, मोदी जी को दिखाते हैं, मोदी जी को दिखाते हैं। अरे तुम दिखने लायक हो ही नहीं तो तुमको दिखाएगा से काहे के लिए दिखाएगा? दिखने के लायक तो बनना पड़ेगा। आप जो बोलो उसका वजन तो पड़ेगा, आप जो बोलो उसकी सच्चाई तो होना चाहिए, जो आप बोलो वो लोगों के गले तो उतरना चाहिए। वो कुछ गले ही नहीं उतरते, आप झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हो और जनता को मूर्ख समझ रहे हो। आपने कल कहा भाजपा के लोग संविधान बदल देंगे। मित्रों आज का गूगल का जमाना है, किताबें तो लाइब्रेरी में मिल जाएगी, संसद की लाइब्रेरी में भी मिलेगी। और आप मत जाओ वहां तक, अपने गूगल उठा के देख लो, सबके पास डाटा है। सबसे पहले संविधान को बदलने का काम अगर किसी ने किया है, कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री ने 1950 में पहली बार संशोधन लाए, ये कांग्रेस का चरित्र है। लगातार एक बार नहीं, 1950 से लगा करके जब तक कांग्रेस की सरकार रही, लगभग लगभग जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान में संशोधन लाए, उनकी बेटी इंदिरा गांधी लाई, उनके बेटे राजीव गांधी लाए, पीछे से सोनिया जी ने सरकार चलवाई वो लाए, इनकी कांग्रेस की सरकार नरसिंहवाड़ा की वो लाए। लगभग 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने संविधान संशोधन किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 3 बार किया, इंदिरा गांधी ने 29 बार किया, 29 बार राजीव गांधी ने 10 बार संविधान संशोधन किया। तो जो ये लगातार लगभग 100 बार संविधान खुद संशोधन करे और दूसरे पे आरोप लगाए, डूब मरना चाहिए ऐसी भाई क्या बोलना चाहिए ऐसी नादारी बात करने के लिए। चुनाव जीतने के लिए लोगों का दिल में संपर्क होना चाहिए, दिल पे राज होना चाहिए जनता का। जनता आपको सिर माथे पे बिठाए तो जनता आपको पसंद करे। अब जनता आपको पसंद करे नहीं और आप अपना ठीकरा फोड़ते हो मीडिया के माथे, आप ठीकरा फोड़ते हो अपने नेताओं के माथे। आप याद करो 2014 के पहले सरकार किसकी थी? सरकार कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार को कांग्रेस के कर्मों ने हटाया। कांग्रेस के कर्मों ने कैसे हटाया अंदाज लगाओ इस बात का। 2003 से 2013 तक पूरे देश के अंदर और जब से आजादी हुई 1947 के समय से एक नासूर छोड़ दिया था कांग्रेस की तत्कालीन समय की सरकार ने धारा 370 लगाकर, तो एक अशांत प्रदेश जम्मू कश्मीर जैसा देवताओं के लिए भी स्वर्ग से सुंदर राज्य था, लेकिन वह जान करके धारा 370 लगा करके अलग हटाने का प्रयास किया। परिणाम क्या आया? परिणाम यह आया कि 40,000 निरपराध लोगों की हत्याएं हुई है। सेना के, पुलिस के, हिंदू मुसलमान सब लोग मारे हैं। और ये मंगलसूत्र की बात करने के लिए एक नेत्री बोलती कांग्रेस की, जरा उनको बताना पड़ेगा 30,000 मंगलसूत्र टूटे तुम्हारी गलती के कारण, 30,000 लोगों के निरपराध हत्याएं हुई। ये पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए कि धारा 370 पे जब भी बात होती थी कांग्रेस ने कहा कैसे हटा देंगे, देश में खून की नदियां बह जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, पूरे देश में इस चैलेंज को हटाने का किसी को यश मिला है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, जिसमें बगैर कोई झटके बगैर कोई दिक्कत के इतना बड़ा अपराध इतनी बड़ी झंझट एक झटके के साथ मुक्त की। और हमको इस बात का गर्व है, इस चुनाव की बेला में अगर हम उल्लेख नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हमने बेला बोल दिया था कि देश के अंदर आतंकवाद नहीं होना चाहिए, देश के सीमाओं पर हमारे सैनिकों का सर काट करके पाकिस्तान के सैनिक ले जाते थे और वो फुटबॉल खेलते थे। और ये प्रधानमंत्री कहते हैं मैं क्या करूं, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, मैं हम क्या कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे।
भर्ती होने वाले जवान, ये सेना में भर्ती होने वाले जवान, ये सारे देश के लोग अपने वोट से चुन करके आपके हाथ मजबूत करते हैं भाई साहब। अगर आप अपने आप को इतना कमजोर मानोगे तो चुनाव में आते ही क्यों? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जो बात 1947 से कहते कहते ये 2013 तक कहते रहे, और हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, समर्थ सरकार बनेगी, 56 इंच के सीने वाले की सरकार बनाएगी, और डंके की चोट एक बार भूल गया पाकिस्तान कि ये बालाकोट कर दिया, 40 सोए हुए सैनिकों की हत्या कर दी, वो तो करके चला गया, लेकिन भूल गया कि अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को मालूम पड़ा, देश स्तब्ध रह गया, मोदी जी ने डंके की चोट, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, डंके की चोट उन्होंने कहा पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, और पाकिस्तान के घर में घुस करके वो आतंकवादियों के हड्डे पसले तोड़ करके उनके आतंकवादी हड्डे समाप्त करने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री। दुनिया का तीसरा देश बन गया भारत इस घटना के बाद, जो अपने देश के अंदर होने वाली आतंकवादी घटना के आधार पर किसी भी देश के अंदर घुस करके आतंकवादी घटना का मुंह तोड़ जवाब दे करके हमारी सेना का शौर्य पराक्रम को नमस्कार करने के लिए तैयार हुए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है सेना ने पुरुषार्थ किया, पराक्रम किया, और कांग्रेस और इनके लोग कह रहे अरे भाई कहां मारा, किसको मारा, हमने तो देखा ही नहीं, लाश तो मिली नहीं, अच्छा तुमने तो कभी करा नहीं, वो जो करके आए उनकी भी इज्जत उतारोगे, इसके लिए तुम चुनाव में आओगे। मुझे खुशी इस बात की 2014 का वोट ऐसा हुआ, उसके बाद दूसरी बार एक और जाके मारा, और अब की बार हवाई जहाज से मारा, सर्जिकल स्ट्राइक से मारा, और याद करो मूछ वाला अभिनंदन, पहली बार जो मार के आए ऐसा मारा कि दूसरी बार भूल से उनने टपका लिया, तो दिन भर दिखाते रहिए देखो भैया हमने इसको झापड़ भी नहीं मारा, इसको चार उंगली नहीं लगाई, हमसे बात कर लो, टेलीफोन कर लो। मोदी जी ने कहा नहीं, हमारे घर के अंदर तुम्हारे आके आतंकवादियों ने अगर आके मारने की हिम्मत किए तो हमने उन आतंकवादियों को मारा है, लेकिन अब भूल से हमारे सैनिक को हाथ लगा लिया, तो अगर एक सैनिक पे हाथ लगा 1000 जाके मारेंगे, 1000 तुमको छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान तुम्हारी वो हालत करेंगे कि नक्शे से पाकिस्तान मिटा देंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बगैर कोई टेलीफोन पे बात करे, बगैर कोई चर्चा किए, बगैर बात के हमारा आदमी हमको मिला, कहा 2013 के पहले सैनिकों के सर काट के ले जाने वाला पाकिस्तान, और कहा सशर्त बिना शर्त अपना आदमी अपने को देने वाला, और उसके बाद का दिन है आज का दिन है, लगभग 10 साल से पूरे देश के अंदर एक भी आतंकवादी घटना हुई क्या? 2014 का वोट पहली बार देश की आपकी सुरक्षा के लिए दिया, और दूसरी बार का वोट 2019 में मिला है। हम सब गवाह इस बात के, कोविड की खराब बीमारी आई, आप में से किस किस को टीके लगे हाथ खड़े करके बताना, आप बताना किस किस को टीके लगे, आप में से भी टीके लगे होंगे भाई साहब, जिसको कोविड के समय उम्र 18-16 साल की हो गई, ये नरेंद्र मोदी जी का कलेजा है, पूरे देश को बचाने का काम किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और बताओ कोई 5 पैसे भी लगे किसी के, कोई पैसे लगे क्या किसी के, किसी ने ले लिए क्या? अरे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूरे देश के अंदर सबकी जान बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरी बार का हमारा वोट वसूल हुआ क्या नहीं हुआ, ये सबकी जान बचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देश, हर देश में टीके को बगैर पैसे नहीं लगाया, हर देश के अंदर, अमेरिका में 75,000, इंग्लैंड में 65,000, सबके पैसे लगे, लेकिन नहीं लगे तो एकमात्र देश भारत जिसमें किसी को पैसे नहीं लगे, सबकी जान बचाने का काम मोदी जी ने किया। और तो और जिनको घर में रोका था, ये कह रहे थे आप थाली बजा के क्या कर लोगे, अरे ताली और थाली बजा करके लोगों की जान बचाई, और जो घर में थे ऐसे 80 करोड़ लोगों को घर के अंदर निशुल्क राशन पहुंचा रहे हैं माननीय मोदी जी, और आने वाले 5 साल की फिर गारंटी दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ, जिनके घर में जिनने गरीबी देखी हो वो ये बात समझेगा,
इनकी जमीन पे पांव नहीं रहते कांग्रेस के लोगों की, इसलिए ये इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि ये बड़े बाप के बेटे, ये खाली बात करते हैं। राहुल गांधी बात करते हैं, ऐसी मजाक की बात करते हैं। हमारी सरकार बनाओ, एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। वाह भैया, तुम्हारी ये झटके में दूर कर देंगे। जरा तुम्हारा इतिहास बताओ तो, इतिहास देखा तो 13-10 साल तक इनकी मम्मी ने पीछे सरकार चलाई, सोनिया गांधी ने, वो गरीबी दूर नहीं कर पाई। 5 साल इनके पापा तो सरकार चला रहे हैं, वो दूर कर नहीं कर पाए। 17 साल इनकी दादी ने सरकार चलाई, इंदिरा गांधी जी ने, वो गरीबी दूर नहीं कर पाए। 18 साल इनके परनामा सरकार चलाते रही है, वो गरीबी दूर नहीं करे। ये उनका नरभागपुर कह रहा, मैं सबकी ये झटके में गरीबी दूर कर दूंगा। वारे वाह भैया, कोई रोटी खाता बाकी तो घास खाते है, कोई समझता ही नहीं है। जोरदार तालियां बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए इस बार। हमारे अपने नेता जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, खाली वाली बात नहीं करते। और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए इस बीना की धरती पे तो मैं और आभार मानता हूँ। हमारी सरकार ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास करके बनाते हैं, खाली बोलने के लिए नहीं। अभी अभी आपने चुनाव में वोट दिया, विधानसभा चुनाव में, और चुनाव के बाद जब सरकारों का गठन का मामला आया तो हमने कहा हम सब वर्गों का ध्यान रखते हैं। हमारे बीच छत्तीसगढ़ से सरकार बनी तो जोरदार अभिनंदन करो हमारे विष्णुदेव साय जी का। पहली बार ट्राइबल के अनुसूचित जाति व्यक्ति को वहां का मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में आपके भाई को भी मौका दिया है, मैं आपका आभार मानता हूं। कभी सोच सकते थे क्या? ये वो लोग हैं जिनको मैं जैसे ही मुख्यमंत्री बना तो लोग बाप रहे, ये कहां से बन गए, तुम कहां से आ गए। वाह भैया वाह, तुम्हारा 30-40 परिवार का तुम्हारा ही ठेका है। अरे भूल गए बाबू, ये भाजपा का समय है और अब भाजपा के साथ जुड़ जाओ, कल तुम्हारी भी लाटरी लग सकती है। किसी को भी भाजपा मौका देती है, ये सच्चे और तुम्हें लोकतंत्र की स्थापना करती है। ये तुम्हारे एक परिवार में से ही पिताजी सांसद होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, उनके ही बेटा बनना चाहिए। ये हमारी पार्टी में नहीं होता है, हमारी पार्टी में तो हर किसी व्यक्ति के लिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे परिवार के व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में सदैव संघर्ष किया लेकिन प्रधानमंत्री बने, उनके कोई बेटे बेटी बने क्या? लेकिन मैंने बताया नाना जी, बेटी, बेटी के बाद बेटा, बेटे के बाद बहू, बहू के बाद फिर बेटा, और जिनका विवाह करके भेज दो, अरे अब उसके बाद तो सरनेम बदल लो बाबू साहब। बेटी सरनेम भी नहीं बदलती है वोट के चक्कर में। अभी भी गांधी, असली गांधी तो पता नहीं कहाँ है। वो गांधी जी महात्मा गांधी के परिवार से कोई संबंध नहीं, केवल वोट लेने के चक्कर और रोज झूठ बोलने के चक्कर। अब कितनी बार इनकी कहानी सुनाओ और फिर कहते मीडिया मेरा साथ नहीं दे रहे। अब मीडिया साथ दे तो दे कैसे? आपने कहा था इसी प्रदेश के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, झटके से मुख्यमंत्री बदल देंगे। वाह भाई, अरे 13 महीने तक सरकार चली, 13 महीने तक। कभी मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, एक मंत्री को नहीं बदल पाए। वो झूठ बोलते ढंग से कैसे बोलते, कितने बेशरम, थोड़ी तो शरम करो। और आपके इस भाई ने 3 महीने की सरकार चली है, अभी 3 महीने आचार संहिता लग गई। हमने फैसला किया है कि 3 महीने के अंदर आपके मुख्यमंत्री तो घर में हेलीकॉप्टर उतारते, आज भी उनका और उनके बेटे का। हमने निर्णय किया है सरकार गरीबों की है और आयुष्मान कार्ड के लिए जोरदार ताली बजाओ। प्रधानमंत्री के लिए 5 लाख तक का बीमा सबका फ्री किया है। और आप चिंता मत करना बहन जी, यहाँ 70 साल से बड़ी उम्र के होंगे, अभी तक वो कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, किसी भी आय वर्ग के हो, इनकम टैक्स देते हो नहीं देते हो, जो भी हो, सबको 5 लाख तक का बीमा फ्री देने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री की सरकार ने किया है। सबको मौका मिलेगा। और उससे आगे बढ़ के हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हमारे बीना के हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, एम्बुलेंस लिया ही घायल आदमी को, और बीमार आदमी भर्ती है और किसी कारण से उसको भोपाल पहुंचाना गंभीर बीमारी है, ग्वालियर पहुंचाना है, अब गरीब आदमी को जान बचाए कि पहुंचाए, कैसे पहुंचाए। तो हमने निर्णय किया है केवल आयुष्मान कार्ड अगर है तो हमारे लिए हेलीकॉप्टर आएगा इस बीमार को ले जाने के लिए, और हेलीकॉप्टर से कुछ पाएंगे।
हेलीकॉप्टर जरूरी नहीं, व्यक्ति की जान बचाना जरूरी। ये हमारी सरकार, तुम तो आपने 50 साल का राजनीतिक जीवन हो गया, 13 साल 13 महीने सरकार चली, तुमने कभी हेलीकॉप्टर अपने गरीब के लिए उपयोग में नहीं दिया। हमने अधिकार दिया है हमारे भाई बहनों के लिए, ऐसे एक नहीं कई फैसले किए हैं, लगभग 100 से ज्यादा फैसले। आज समय कम पड़ जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा, पहला वोट देश की सुरक्षा के लिए, दूसरा वोट कोविड के कारण जीवन बचाने के लिए। माननीय मोदी जी ने 19 का वोट वसूल के दिया, और उतना ही नहीं, भगवान राम की जय जयकार कर ले, बोले अयोध्यापति जय जय श्री राम। भगवान राम के लिए कदम कदम पर जितने अलंगे लगा सकते थे इनने अलंगे लगा। बताओ भैया, राम कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप सबको मालूम कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, केवल कांग्रेस वालों को मालूम नहीं थी कि वो अयोध्या में पैदा हुए, इसलिए वो कोर्ट में शपथ पत्र दे रहे थे। कहां पैदा हुए, कहां का सर्टिफिकेट है, हुए लेकिन नहीं हुए। वाह बाबू वाह, भगवान का अपमान करोगे, हिंदू समाज का अपमान करोगे, और कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा। अरे ये वो सारे लोग है, सारा हिसाब रखेंगे, एक एक हिसाब रखेंगे, और आने वाले चुनाव में इसकी कीमत तुमको चुकाना पड़ेगी। और अब तो और ज्यादा आनंद आएगा, हमारे यहाँ तो अधिकांश मथुरा के पास वाले लोग हैं कि नहीं? मथुरा के पास वाले बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, जिनके घर घर, और जो भगवान कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण है, गाय का पालने वाला गोपाल, और हमारे बीच में है ना गोविंद, गाय वाले ये भी, और हम सब मिल करके अभी तो भगवान राम मुस्कुरा रहा है। अयोध्या के बाद मथुरा की बारी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब की बार वोट भगवान कृष्ण को मुस्कुराने के लिए देना है। बोलो सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी दोनों, और संकल्प करो। आप बताइए, मुझे मालूम पड़ा कि 50 गांव को सिंचाई योजना में छूट गए। अरे आपके भाई को वोट ने वोट दिया है, भगवान कृष्ण मुस्कुराएंगे तो हमारे गांव वाले भी नहीं मुस्कुराना चाहिए क्या? 50 तो क्या 100 बचेंगे, 100 को पानी देंगे, कोई गांव में बचे नहीं रहेंगे। विकास के मामले में यहाँ चारों तरफ रिंग रोड से लेकर के जो जो काम बीना वाले मानेंगे सागर लोकसभा के, वो सारे काम पूरे किए जाएंगे, कोई विकास में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। और याद रखना, आज तो 1 तारीख हुई है, 5 तारीख को लाडली बहना की राशि मिलने की, बहनों के लिए तालियां बजाओ। कांग्रेस वाले रोज कह रहे हैं इस महीने नहीं मिलेगी, अगले महीने नहीं मिलेगी, अरे तुम कहते रहो और हम देते रहेंगे, कभी इसके पीछे नहीं रखेंगे। ये हमारी सरकार है, भूखे नंगे की सरकार थोड़ी है। तुम्हारे जैसे तो तुम सब खा गए, तुम्हारे पास का ऐसे तरीका हो सकता है? हमारा सरकार ऐसी नहीं है, हमारी सरकार जनता की सेवा करने के लिए 24 कैरेट सोने के समान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में सुशासन का यज्ञ चल रहा है। हम सबको आहुति देना है, आइए दोनों हाथ खड़े करके संकल्प करें, एक एक वोट भाजपा के पक्ष में डालें, हमारी बहन लता वानखेड़े जी को जिताएं, इनके माध्यम से मोदी जी की फिर एक बार सरकार बनाए, और दुनिया में भारत को नंबर 1 का देश बनाए, और मध्य प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाए। बोलो सब तैयार है? हमारे यहाँ बहुत सारे मित्रों ने भाजपा ज्वाइन की है, जोरदार ताली बजाते रहना, मैं नाम पढ़ देता हूँ। राहुल यादव जी, विवेक प्रजापति जी, राजकुमार प्रजापति जी, ताली वाली बजाते रहो, हेमंत दुबे जी, आरिफ खान जी, सलमान खान जी, पवन पासी जी, राजकुमार यादव जी, महेंद्र राजपूत जी, कमलेश रायकवार जी, अमित प्रजापति जी, संदीप प्रजापति जी, सुमित जी, उमेश पंथी जी, कोमल अहिरवार जी, मैंने बोल दिया समझो भाजपा में आ गए, आप उच्चारित करते रहे बाहर। महेश